विनेकर रेंज के अंतर्गत ग्राम नीलगढ़ में अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अनुभूति कार्यक्रम में हाई स्कूल बगासपुर माध्यमिक विद्यालय सिलारी एवं माध्यमिक विद्यालय नीलगढ़ के 150 बच्चे शामिल हुए। सभी छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में बड़े उत्साह के साथ सहभागिता निभाई। कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर मितुल तिवारी, श्री एन के मालवीय उपस्थित रहे। शुरुआत में परिचय कराया गया, फिर प्रकृति पथ पर बच्चों को वन भ्रमण कराया गया। वन भ्रमण के दौरान वृक्षों जैसे महुआ, अर्जुन सागुन, दावणा, पलाश आदि के लाभ एवं औषधि गुणों पर चर्चा की गई। वन्य प्राणियों के पगमार्ग जैसे बाघ आदि की पहचान बताई गई एवं उपयोगिता एवं आवश्यकता के बारे में विस्तृत बताया गया कि कैसे पर्यावरण के संतुलन के लिए वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण अति आवश्यक है। वनों से हमें शुद्ध हवा, पानी, वनौषधि, जलाऊ लकड़ी, वनोपज जैसे महुआ, अचार, तेंदुपत्ता आदि प्राप्त होते हैं और उससे आय का साधन बनते हैं। वनों की कटाई न करें, वनों को आग से बचाएं। वन परिक्षेत्र अधिकारी बिनेका टीआर कुलस्ते द्वारा बताया गया कि गांव के लोग महुआ वृक्ष के नीचे सफाई करें, उसके नीचे आंगन लगाएं, क्योंकि आग से नए पौधे एवं छह जीव जंतुओं के हानि पहुंचती है, उनके रहवास नष्ट हो जाते हैं और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। कोरोना जैसी महामारी में प्राणवायु ऑक्सीजन का सेकर आया है। वनों का हाल चिंता का विषय है, उनके संरक्षण के लिए हमें सभी का सामूहिक प्रयास जैसे वृक्षारोपण, वनों में आग लगाना, आग लगने पर उन्हें बुझाना, वन विभाग को सूचना देना, मदद करना हमारा नैतिक दायित्व है। विशेषज्ञों द्वारा सांपों के बारे में गाँव में मिथ्या रूढ़िवादी आदत बदलने एवं उनके सुरक्षा एवं महत्ता पर बताया गया कि अपराह्न प्रतियोगिता क्विज का आयोजन किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार पायल कीर, द्वितीय सोनम कीर, तृतीय निकिता ठीर, सभी हाई स्कूल बनासपुर को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा ऐसे कार्यक्रम की सराहना की गई और बच्चों ने देशभक्ति आदि गानों में मनोरंजन किया। कार्यक्रम में चिल्ला रेंज के चेंजर श्री दशरथ अखंड, बॉडी रेंजर श्री तिलक सिंह रायपुरिया, सुल्तानपुर रेंजर ऋषिकेश्वर सिंह, विनेका रेंजर टी आर कुलस्ते एवं समस्त स्टाफ विनेका रेंज के उपस्थित हुए एवं सहयोग किया। यहाँ पर जो अनुभूति का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड, मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। इसके अंतर्गत स्थानीय बच्चों को जो वन क्षेत्र में लाया जाता है और वन क्षेत्र में एक कैंप आयोजित करते हैं। इसके अंतर्गत हम एक ट्रेल बनाते हैं और ट्रेल में आने वाले पेड़ पौधे। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN9 के साथ। नमस्कार।